Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 7, packing. Before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? क्या आप कभी आपको ट्रिप पे जाना पसंद है और आपको किस टाइप के ट्रिप पे जाना पसंद है? How do you feel about having to pack for a trip? आपको कैसा लगता है जब आपको ट्रिप पे जाने के लिए पैकिंग करनी पड़ती है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप ट्रिप पे जाने के बाद कोई चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए और आपको उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी और वो अब चीज़ आराम से मिल भी नहीं रही है? Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? क्या इससे आपको अपने आप पे गुस्सा आता है या हंसी आती है? Now read description of how the author and his friends pack. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ऑथर और उसके फ्रेंड्स ने पैकिंग की. आई सेड आई शुड पैक. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर देन एनी अदर पर्सन लिविंग. सो जो राइटर है वो कहता है कि मुझे पैक करना चाहिए, मुझे अपनी पैकिंग पे गर्व है. प्राइड मतलब गर्व है उसे अपनी पैकिंग पे. और पैकिंग एक ऐसी चीज़ है वो जो उसे लगता है कि वो किसी और पर्सन से अच्छे से कर सकता है. आई इम्प्रेस द फैक्ट अबाउट जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. तो उसने ये बोल के जो उसके फ्रेंड है जॉर्ज और हैरिस उन्हें इम्प्रेस कर दिया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो पैकिंग का सारा जो काम है वो उसके भरोसे छोड़ सकते हैं. दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और वो जो सजेशन था जो राइटर ने सजेशन का दिया कि सब मुझ पे छोड़ दो, उसको बड़ी आराम से मान गए जो काफ़ी स्ट्रेंज बात थी. जो स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जो जॉर्ज है वो इजी चेयर पे, जो बूढ़े लोग बैठते हैं आराम वाली चेयर होती है, उस पर आराम से फैल गया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल. और हैरिस है वो टेबल के ऊपर पैर रख के बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. और जो राइटर है वो कहना चाहता है कि जो उसके इंटेंशन थे वो ये नहीं थे कि ये दोनों आराम से बैठ जाए. वट आई हैड meant of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction, I pushing them aside every now and then with, oh you here, let me do it, there you are, simple enough, really teaching them as you might say. तो वो कह रहा है कि वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज है वो उसके काम में हेल्प करें और जो राइटर है वो बॉस बन के उनको गाइड करे और बीच बीच में बोलता रहे जैसे अपने आप को बेटर दिखाने के लिए कि ओह रुको मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं, देखो ये कितना सिंपल था. तो ऐसे ऐसे लाइनें बोल के वो अपने आप को बेटर प्रूव करना चाहता था, पर वो चाहता था कि वो दोनों भी उसकी हेल्प करें. दे आर टेकिंग इट इन अ वे दैट दे डिड इरीटेट मी. उन्होंने उस बात को ऐसे लिया जिससे राइटर है वो इरीटेट हो जाए. देर इज़ नथिंग डज इरीटेटिंग मी मोर देन सींग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग वेन आई एम वर्किंग. और राइटर को इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब उसे काम करना पड़ता है और उसके साथ में जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उसे बैठ के आराम से देखते हैं. I lived with a man once who used to make me mad that way. Writer पहले एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो उसे इसी तरह बात बात पर गुस्सा दिलाता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. तो वो क्या करता था, वो सोफ़ा पर आराम से बैठा रहता, लोल करना मतलब लुढ़कना रहता था और वो उसे काम करते हुए देखता रहता था. जो राइटर है उसे काम करते हुए देखता रहता था वो आदमी. He said it did him really good to look on at me messing about. तो वो क्या कहता था, मैं यहाँ से बैठ के तुम जो गड़बड़ करोगे उस पर नज़र रखूँगा. ना आई एम नॉट लाइक दैट, आई कॉन्ट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. तो राइटर कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आराम से बैठ जाओ जब सामने कोई आदमी बैठ के
काम कर रहा हो या मेहनत कर रहा हो और मैं आराम से बैठ के उसे देखता रहूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसकी खड़ा होके और उसे सुप्रिटेंड मतलब उसको गाइड करना चाहता हूँ, उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम वट टू डू। मैं अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल के उसे बताना चाहता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, ये उसका एनर्जेटिक जो नेचर है। आई कांट हेल्प इट, और वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। पर अब हम वापस उस सीन में आ गए जब उसके दोनों फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, वो बैठे हुए और वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो राइटर कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें और मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट। तो उसने कहा कि जो पैकिंग करने था वो जितना सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी बड़ा काम था, लंबा काम था। और जब उसने पैकिंग फिनिश कर दी तो वो उसके ऊपर बैठ गया और उसे स्ट्रैप कर दिया मतलब उसे बांध दिया, बंद कर दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा, क्या तुम उसके अंदर जूते नहीं डाल रहे? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। और फिर राइटर ने इधर उधर देखा और उसे याद आया कि हाँ, वो जूते रखना भूल गया है। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। हैरिस ऐसा ही है, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। ऑफ कोर्स, तो वो पहले नहीं बता सकता था जब उसने स्ट्रैप नहीं किया था, उसने बैग को बंद नहीं किया था, पर उसने जब सारा कुछ बंद कर लिया, पैक हो गया, उसके बाद याद दिलाया कि उसने बूट नहीं डाले हैं। एंड जॉर्ज लाफ, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज। और ये सुन, ये बात देख के जॉर्ज बुरी तरह हंसने लग गया, जो उसकी इरिटेटिंग, जो मतलब लोगों को चिढ़ाने वाली और सेंसलेस, बिल्कुल भी सेंस नहीं था उसकी हंसी में, ऐसे हंसने लग गया जिससे सामने वाले को गुस्सा आता है, उस टाइप की हंसी थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। ये दोनों बहुत ही गुस्सा दिला देते हैं, वाइल्ड मतलब एकदम जंगलियों की तरह जैसे गुस्सा आता है वैसा गुस्सा आने लगता है राइटर को। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। उन्होंने बैग को खोला, उसमें बूट को पैक किया और जैसे ही वो उसे बंद करने वाले थे तभी एक दिमाग में उनके खतरनाक सा मतलब डरावना आइडिया आया, मतलब डरावनी सी बात आई उनके दिमाग में। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। पता नहीं कैसे पर वो हमेशा ही अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाता है और उसे पता भी नहीं लगता कि कैसे उसने टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट मी वैन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक माई लाइफ अ मिजरी। सो वो कहता है कि टूथब्रश उसकी ऐसी चीज़ है जो हमेशा उसे डराती है ट्रैवल करते वक्त और उसकी लाइफ मुश्किल बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट। वो हमेशा ऐसे क्या करता है, जब भी ट्रिप पे या ट्रैवलिंग करने जाता है तो उसे सपना आता है कि मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ, और वो पसीने से घबरा के उठता है और अपने टूथब्रश ढूंढने लग जाता है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और वो डर के मारे क्या करता है, वो अपना सुबह ब्रश करने से पहले ही ब्रश को पैक कर देता है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और फिर उसे वापस अनपैकिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसे ब्रश यूज़ तो करना ही है सुबह। आई हैव टू यूज़ इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और वो हमेशा सबसे आखिरी चीज़ होती थी जो बैग से बाहर निकलती थी, क्योंकि पैकिंग करने के बाद वो कहना चाहता है कि वो पैक करता था और जब अनपैक करता था टूथब्रश निकालने के लिए, ब्रश करने के लिए, तो सबसे आखिर में जाके उसको ब्रश मिलता था। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने बैग खोला और उसके सामने ब्रश हो, अच्छे से ढूंढ के जब सारा सामान इधर उधर बिखेर जाता था तब जाके उसे वो ब्रश मिलता था। एंड देन आई रिपैक एंड आई एंड फॉरगेट इट।
और फिर मैं उसे वापस मुझे सामान पैक करना पड़ता था और मैं ब्रश भूल जाता था एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट इन द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन द पॉकेट हैंडकरचीफ। और जब पैकिंग करने के बाद वो अपना टूथब्रश भूल जाता था तो फिर उसे लास्ट मोमेंट पे घर से निकलने से पहले याद आता था कि हाँ मैं अपना टूथब्रश फिर से भूल गया हूँ, और वो क्या उसे क्या करना था, पेपर या हैंडकरचीफ में लपेट के उसे रेलवे स्टेशन लेके जाना पड़ता था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और जैसा कि अभी हुआ, अभी उसे याद आया कि वो अपना टूथब्रश उसने रखा है कि नहीं किया, तो उसने सारी चीज़ें बाहर निकाली और उसे अभी भी उसमें टूथब्रश नहीं मिला। आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मच हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड वेन चाओस रेंट। तो वो कहना चाहता है कि उसने सारे सामान सारा एक एक करके बाहर निकाला, मतलब एक एक चीज़ को ध्यान से निकाल के वापस बाहर रखा, मतलब उसने सारी जो पैकिंग की थी वो सारी बर्बाद हो गई एक तरीके से। और इसको मतलब उसने वैसे कंपेयर किया है कि जब दुनिया बनी थी, कि दुनिया बनने से पहले जो तबाही वगैरह मस्ती थी, इंसान नहीं बने थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तो उसने बताया कि वैसी सी सिचुएशन होगी कि उसको लिए पूरी चीज़ें पूरी दुनिया रिस्टार्ट करने जैसा था इस बैग को अनपैक करना। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। उसे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश हैं वो 18 बार मिल गए, मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी बार मिल गए, पर वो अपना टूथब्रश नहीं ढूंढ पा रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, तो उसने एक एक करके सारी चीज़ें वापस बैग में डालना शुरू किया। एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शुक इट, और उसने हर चीज़ को ऐसे उठा के थोड़ा हिला के चेक किया कि कहीं इसमें तो नहीं है। देन एंड फाउंड इट इनसाइड अ बूट आई रिपैक्ड वंस मोर, तो उसने वो उसका टूथब्रश मिल गया, किसके अंदर था, बूट के अंदर घुस गया था, और उसने क्या किया, वापस से सारी पैकिंग कर ली। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन, तो जैसे उसने पैकिंग कर ली तो जॉर्ज ने पूछा क्या उसने साबुन रख दिया। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजन्ट। तो अब जो राइटर है वो भड़क चुका है, गुस्सा आ चुका है उसे, तो उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साबुन अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम द बैग शर्ट एंड स्टैप्ड इट, उसने बैग को ज़ोर से पटका और उसे बंद कर दिया, मतलब अब पैकिंग कम्प्लीट होगी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल इन इट, तो जैसे उसने बैग पैक किया तब उसे याद आया कि वो अपना चश्मा ही बैग में रख के भूल गया है। एंड हैड टू ओपन इट, अब उसे वापस उसे खोलना पड़ेगा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, तो वो रात को 10 बजे उसकी पैकिंग ख़त्म हुई। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर टू डू, अब बस जो उनका खाने पीने का सामान था वो पैक करना रह गया। हैम्पर क्या होता है, जिसके अंदर ऐसी पैकिंग जिसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हो। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। तो हैरिस कहता है कि अब जो 12 बजे मतलब 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है तो मुझे और जॉर्ज को बाकी काम कर लेना चाहिए, और ये इस बात पे राइटर एग्री कर लेता है और वो दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो चले जाते हैं। सो वी विल स्टॉप अवर चैप्टर हियर एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।